प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। यूहन्ना की पहली पत्री उसके दूसरे अध्याय से अध्ययन कर रहे थे। 15वें पद को हमने पिछले हफ्ते आरंभ किया था, लेकिन उसमें से एक पोर्शन के बारे में मैंने कहा था कि उसका डिटेल अपन अगले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते देखेंगे। 15वें पद में हम पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसका विस्तार मैंने पिछले हफ्ते आप सबको बताया था। आज इस दुनिया में जिस फिलॉसफी की मदद से शैतान दुनिया पर राज्य करता है, उस फिलॉसफी को प्रभु के वचन में संसार कहा गया है। ये फिलॉसफी देखने में अपने आप में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि उससे प्रेम नहीं करना है। इस फिलॉसफी का जो एग्जैक्टली जो विपरीत है, वो हम प्रभु यीशु ने एक उपदेश दिया था जिसको पहाड़ी उपदेश या पर्वतीय उपदेश कहते हैं। मत्ती के शुभ संदेश में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर संसार का जो उपदेश है उसका जस्ट विपरीत हम पढ़ते हैं। उसी तरह से नीति वचन 3 अध्याय में संसार का जो उपदेश है उसका विपरीत हम पढ़ते हैं। तो प्रभु का वचन याद दिलाता है, यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। उसके बाद पिछले हफ्ते मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी, 16वें पद की व्याख्या इस हफ्ते दूंगा। 16वें पद में हम पढ़ते हैं, जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है। यहां पर प्रभु का वचन शरीर शब्द का उपयोग एक विशेष तरीके से करता है। कई बार हमको ये गलत फहमी हो जाती है कि शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है। ठंड लगती है तो शरीर की इच्छा यह है कि गर्म कपड़े पहनो। गर्मी लगती है तो शरीर की इच्छा है कि कुछ ऐसी जगह पर जाकर बैठो जहां गर्मी ना लगे, कम से कम पंखा तो चला ही दो। भूख लगती है तो भरपेट खाना खाने की इच्छा होती है, और खाना खाते हैं तो वो भी स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा होती है। प्यास लगती है तो पानी पीने की इच्छा होती है, वो भी ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, शरबत पीने की इच्छा होती है, लस्सी पीने की इच्छा होती है। ये सब शरीर की अभिलाषा है। यहाँ पर प्रभु के वचन में शरीर की अभिलाषा शब्द का प्रयोग भूख प्यास ठंडी या गर्मी से नहीं है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ लें, इसलिए कि प्रभु के वचन में शरीर शब्द का एक और अर्थ में उपयोग हुआ है। उस अर्थ में
बार बार उपयोग हुआ है रोमियो नामक पुस्तक में, मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना, प्रेरितों के काम, नए नियम की छठी पुस्तक है रोमियो, उसको जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बार बार शरीर शब्द का उपयोग आया है। और जब उसको पढ़ेंगे तब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि शरीर का प्रभु के वचन में एक और मतलब है, वो है हमारे अंदर पाप से भरा हुआ जो स्वभाव है उसको भी शरीर कहा गया है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया, पाप करने से पहले वे निष्पाप थे, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उसके साथ आदम और हव्वा पापी हो गए, उनका स्वभाव जो है वो पाप से भर गया। प्रभु का वचन ये बात याद दिलाता है कि आदम और हव्वा की हम सब जो संतानें हैं, हमारे अंदर वही पाप का स्वभाव है जो हमारे आदि पिता आदम में था, आदि माता हव्वा में। इस बात को सबसे ज़्यादा स्पष्टतया रोमियों की पत्री में कहा गया है। तो इसलिए रोमियों की पत्री के आधार पर अपन इस बात को समझते हैं कि जब प्रभु का वचन शरीर की अभिलाषा के विरुद्ध बोलता है तो ये उस पाप स्वभाव की अभिलाषा के बारे में, वो जो पाप स्वभाव है वो हमको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। और जब हमारा जो पाप से भरा हुआ स्वभाव हमको गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है तब हम भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और शरीर की जो अन्य इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति जिस तरीके से करना चाहिए उसके बदले गलत तरीके से करते हैं। तो जब यहाँ पर कहा गया है कि शरीर की इच्छा, शरीर की अभिलाषा, तो उसका सही सही मतलब समझ लें। यहाँ भूख प्यास से मतलब नहीं है, यहाँ शरीर की अभिलाषा से मतलब है रोमियों की पत्री में जो कहा गया है उसके अनुसार आदम और हव्वा से हमको पाप का जो स्वभाव जन्म से ही मिल गया है वो स्वभाव हमारे अंदर भूख, प्यास, सर्दी से बचाव, गर्मी से बचाव, उसके अलावा हमारे अंदर जो भी इच्छाएं होती हैं, हमारी जो भावनाएं होती है, उन इच्छाओं को और भावनाओं को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। तो हमारा पाप स्वभाव और हमारा शरीर मिलकर हमको जिस गलत दिशा में ले जाने की कोशिश निरंतर करते हैं उसको शरीर की अभिलाषा कहा गया है। तो प्रभु का वचन कहता है कि शरीर की अभिलाषा परमेश्वर के विरुद्ध है, संसार की ओर से। दूसरी बात क्या है? आँखों की अभिलाषा। जिन लोगों ने मनुष्य के स्वभाव का अध्ययन किया है वे लोग बताते हैं कि मनुष्य को सही रास्ते से गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उसकी आँख सबसे ज़्यादा काम करती है। हमारा मन उसके पीछे है, लेकिन मन को जानकारी मिलने के लिए आँख है, कान है, मुंह है, स्पर्श है। इसमें आँख हमारे मन को जानकारी देकर हमको एकदम गलत रास्ते में ले जाने के लिए सबसे अधिक कार्य करता है। इस बात को जानने के कारण जो लोग चाहते हैं कि हम शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलें वे हमारी आँखों का उपयोग बहुत अधिक करते हैं। आजकल अपन जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करते हैं इनमें से कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इस तरह की चीज़ें आती हैं जो हमको गलत दिशा में ले जा सकती हैं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य की जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा वो ज्ञान पाता है
उन ज्ञान इंद्रियों में आँख दिमाग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसका बहुत छोटा सा उदाहरण देखा जाए तो कोई व्यक्ति नए कपड़े पहनकर आता है तो देख के हमको लगता है कि वाह ये कपड़ा तो अच्छा है, भैया ये तुमने कहाँ से खरीदा, हम भी खरीद लाएं। इसमें कोई गलत बात नहीं है क्योंकि कपड़े अपन जो पहनते हैं वो अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, सस्ता होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। तो यदि हमारा कोई भाई या बहन सुंदर सस्ता टिकाऊ कपड़ा पहनकर आता है तो जब हम उससे पूछते हैं कि भैया ये कहाँ से खरीदा, तो सही सही काम कर रहे हैं, हम भी सुंदर सस्ता और टिकाऊ कपड़ा खरीदना चाहते हैं। लेकिन उस कपड़े के बारे में हमको ज्ञान कहाँ से मिला, आंखों के द्वारा। जब हमने देखा तब पता चला कि भैया फलाना तो बहुत अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं। और जब हम उससे पूछते हैं कि भैया ये तो बड़ा महंगा पड़ा होगा, तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो काफ़ी सस्ता मिल गया। फिर हम पूछते हैं कि अच्छा कौन सी दुकान से मिला, इस कपड़े का नाम क्या है। सुंदर सस्ता टिकाऊ हमको प्रभावित करता है, लेकिन सबसे पहले आंखों के द्वारा प्रभावित करता है। इस कारण हमारे अंदर जो पाप स्वभाव है वो आंखों के द्वारा बहुत अधिक हमको प्रभावित कर सकता है, इसलिए उसको आंखों की अभिलाषा बोला है। हम यदि किसी भाई या बहन के अच्छे कपड़े को देखकर हम भी उसी तरह का अच्छा कपड़ा खरीदने की कोशिश करें, ये अभिलाषा नहीं है, ये मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन आंखों का दुरुपयोग भी हो सकता है। आंखों का जब हम दुरुपयोग करते हैं तब उसको आंखों की अभिलाषा प्रभु का वचन कहता है। तो एक विश्वासी के अंदर शरीर की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, आंखों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात जो उसके अंदर नहीं होना चाहिए वो है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड का क्या मतलब है? हम में से हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें घमंड हो सकता है। आज जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं इनमें से ज़्यादातर लोग अपने गांव को, अपने शहर को, अपने परिवार को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर आकर केरल में नौकरी कर रहे हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि केरल एक ऐसा अच्छा स्वर्ग के समान प्रदेश है जहाँ पर इतने सारे लोगों को अपने गांव की तुलना में अच्छी नौकरी मिल रही है, अच्छी कमाई हो जाती है। कमाई करने के बाद कुछ लोग तो उसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि केरल की कमाई हमेशा नहीं रहेगी। कल को यदि हमें बीमारी के कारण, किसी और परेशानी के कारण केरल यदि छोड़ना पड़े, जैसे कोविड के समय छोड़ना पड़ा था, यदि छोड़ना पड़े तो कमाई बंद हो सकती है। इस बात को जानकर कुछ भाई लोग क्या करते हैं, एक एक पैसा जोड़ कर रखते हैं, और एक एक पैसा जोड़ कर रखने के बाद गांव में कहीं बाहर जहां ज़मीन सस्ती है वहां ज़मीन खरीद कर डाल देते हैं। क्यों? इसलिए कि आज ज़मीन वहां सस्ती है, कल वहां पर उसी ज़मीन के दुगने या तिगने भाव मिलेंगे। हमारे घर में एक बहन काम करने के लिए आती है हफ्ते में दो बार, बहुत मेहनती लड़की है। पिछले दिनों उसने वाइफ को बताया कि केरल में नौकरी से पैसा पैसा जुटाकर उसने काफ़ी ज़मीन खरीद के डाल दिया है जिस पर उसका परिवार खेती करता है। ये बहुत अच्छी बात है। और आज जितने भाई लोग हैं उनको ये उदाहरण मैंने दो उद्देश्य से बताया है। पहला ये है कि इससे पाठ सीख लो कि केरल में जब नौकरी करते हो पैसा पैसा बचा के रखो, अपने गांव में जाकर गांव के बाहर कहीं जहां ज़मीन सस्ती है खरीद कर डाल दो, कल को
वो जमीन तुम्हारा साथ देगी जब तुमको वापस जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ एक चीज और बताने के लिए मैंने ये बात बताई, कई बार चाहे जमीन हो या और कोई चीज हो, उसे हम खरीदते हैं तो हमें घमंड हो जाता है, देखो मैंने अपनी मेहनत से इतना किया, तुम में से किसके पास ये सब कुछ है। ये घमंड जीविका का घमंड है। आप सब जानते हैं सड़क पर कितनी सारी गाड़ियां चलती हैं, आधुनिक युग में साइकिल से लेकर अन्य सभी वाहन जरूरी हो गए हैं, लेकिन सड़क पर जब लोग वाहन चलाते हैं तब उन्हें उनके चलने के तरीके से मालूम पड़ जाता है कि वाहन का उपयोग वो आवागमन के लिए कर रहा है या घमंड के लिए कर रहा है। मुझे अभी भी याद है संडे सुबह की मीटिंग के बाद एक बार जब गाड़ी लेकर कार लेकर हम वापस जा रहे थे तो दूर से आवाज सुनाई दे रही थी, भाई जिस गाड़ी को 60 से 80 के बीच में चलाना चाहिए उसको कोई व्यक्ति 120 से ऊपर स्पीड पे चला रहा था। आवाज सुनते ही मैं समझ गया क्योंकि यामाहा की आवाज थी, मेरे पास भी यामाहा थी, मैं जानता हूँ उसकी आवाज कैसी है और 120 पे वो क्या आवाज देती है। देखा तो एक लड़का हवाई जहाज की गति से मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए आ रहा है और सीधे मेरे गाड़ी की ओर आ रहा है। मैं यदि गाड़ी चलाता हूं तो टकराएगा, मैं यदि गाड़ी खड़ी रखता हूं तो भी टकराएगा, उसके आने की दिशा ऐसी थी। मैंने सोचा गाड़ी चला रहा हूं उस समय कहीं गाड़ी के नीचे गिर गया तो मर जाएगा और मुझे पुलिस मुझ पर केस करेगी। हिंदुस्तान में अनजाने भी आपसे यदि किसी की हत्या हो जाती है पुलिस आप पर केस करती है, जब तक ये प्रमाणित नहीं हो जाता कि अनजाने मृत्यु हुई है। गाड़ी मैंने रोक दी और बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वो जो है आसमान की ओर देख के जमीन पर गाड़ी चला रहा था शायद। अचानक उसने मेरी गाड़ी देखी, ब्रेक लगा दिया, वो नालायक यामाहा का फ्रंट ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, उसने फ्रंट ब्रेक पहले लगाया, वो सीधे मेरे गाड़ी के नीचे घुस गई। अड़ोसी पड़ोसी अच्छे हैं यहाँ, ये जो बड़ी दुकान का मालिक है वो तुरंत बाल्टी पर पानी लेके दौड़ता हुआ है और भी बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आए, मंडली से कई भाई लोग दौड़ते हुए आए, उन्होंने उस लड़के को उठाया, आधा बेहोश था, गाड़ी को उठाकर उन्होंने साइड पे भाइयों ने खड़ा कर दिया, उसको लॉक कर दिया, उस लड़के को मेरी गाड़ी में डाल के हम अस्पताल ले गए। प्रभु की दया है कि मैंने गाड़ी रोक रखी थी, गाड़ी चल रही होती तो उसका सर पहिए के नीचे आ जाता। अस्पताल में जाके उससे आधी होशी आधा होश आधा बेहोश उससे नंबर मांगा, उसके माँ बाप को बुला के इन्फॉर्म किया, माँ बाप दौड़े दौड़े आए, तब तक लड़के का इलाज मैं करवाता रहा। जब उसको होश आया उससे पूछा तो पता चला कि वो 18 साल से नीचे का है, मतलब लाइसेंस नहीं है, नंबर दो गाड़ी उसकी नहीं है, नंबर तीन गाड़ी उसके मालिक की नई गाड़ी है, वो मालिक से मैं जरा चला आऊं पूछ के गाड़ी चला रहा था पहली बार। जब यामाहा बहुत अच्छी गाड़ी है और उसको आप 120 किलोमीटर की स्पीड दे सकते हैं, लेकिन 120 किलोमीटर की स्पीड सिर्फ ऐसे हाईवे पे करना चाहिए जहां कई किलोमीटर सड़क सीधी हो चौड़ी हो और जहां ट्रैफिक ना हो। वो यहाँ इस भीड़ भाड़ में भरे सड़क पे 120 पे चला रहा था और शायद आंख मीच के चला रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी उसने तब देखी जब वो पास आ गया था। यह है जीविका का घमंड।
या आजीविका के घमंड का एक उदाहरण, गाड़ी तुम्हारी नहीं, लाइसेंस तुम्हारे पास नहीं, और तुम चला रहे हो तो वो भी 120 पे और आंख मीच के। जीवन में ये मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया है कि जीवन में हर बात के ऊपर हमें घमंड हो सकता है, हर बात के ऊपर। मैं जिंदगी भर विद्यार्थी रहा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अच्छे अच्छा पढ़ते हैं, और भैया जब स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो अच्छा तो पढ़ना चाहिए, लेकिन अच्छा जो पढ़ते हैं उसमें से एक 10% ऐसे होते हैं जिनको घमंड होता है, किसी के मुंह पे नहीं देखते, किसी से बात नहीं करते, उनको ये घमंड है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सर्वोत्तम हूँ, और इसलिए मैं दूसरों के समान सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं असामान्य, मैं तो आसमान से उतर के आया हूँ। जीविका का घमंड। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जीविका का घमंड हो सकता है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है। क्यों? शैतान की इच्छा है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पाने के पहले हमारा जीवन बर्बाद कर दे। क्यों? इसलिए कि शाश्वत जीवन पाने के पहले यदि एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दो तो कभी फिर शाश्वत जीवन पाएगा ही नहीं। यही तो शैतान चाहता है। प्रभु चाहते हैं कि इस दुनिया में जिसने भी जन्म लिया है सबको शाश्वत जीवन मिले। शैतान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाश्वत जीवन ना मिले, और इसलिए वो लोगों को शरीर की अभिलाषा में, आंखों की अभिलाषा में और जीविका के घमंड में उलझाए रखता है, जिससे कि हम आत्मिक जीवन में जिन बातों का वास्तव में महत्व है उन बातों की तरफ ध्यान देने के बदले इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मेरे सही कई साथी लोग धूम्रपान करते थे। उसके बाद उन सब से मैं पूछता था, भैया तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे, क्यों कर रहे हो? तो वो लोग हमेशा कहते थे कि आदत पड़ गई है। शुरू शुरू में जब हमने पहला कष्ट लिया तो खांसी के मारे हालत खराब हो गई, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा कष्ट लेते गए आदत हो गई, अब आदत हो गई है। मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था या रिसर्च करता था, पढ़ाता था, मेरे दो तीन साथी प्रोफेसर खाना खाने के बाद धूम्रपान जरूर करते थे, और धूम्रपान करने के बाद जो है 100 बार कुल्ला करते थे, और उसके बाद इलायची और इस तरह से कई चीज़ें खाते थे जिससे कि उनके मुंह में स्मेल ना आए। उसमें से सभी लोगों से मैं पूछता था, मैं बहुत दुखी हो जाता था ये सब देख के कि तुम क्यों अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। उनमें से हर एक ने बताया, जॉनसन जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब लोग इसको शान की बात समझते थे कि हम स्मोक कर रहे हैं, जीविका का घमंड। लोग इसको शान की बात समझते थे कि हम स्मोक कर रहे हैं, तो दूसरों को अपना शान दिखाने के लिए, मैं भी पुरुष हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, हमने दिखावे के लिए शुरू किया फंस गए। जीविका का घमंड उपयोग करके शैतान किस तरह से मनुष्य को अपना शरीर बर्बाद करने के लिए प्रेरित करता है। आज से 30 साल पहले जब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तब मेरे एक मित्र ने ग्वालियर में, मेरे एक मित्र ने कहा कि तेरी तबीयत इस तरह से बीच बीच में खराब होती है, मुझे एक्चुअली स्ट्रोक हुआ था, तो उसने कहा तुझे जो है 10 साल में एक बार स्ट्रोक होता है, 3 हो चुके हैं, और अगला स्ट्रोक जो है वो तुझे अपने साथ ले जाएगा,
तेरी पत्नी और तेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, इसलिए तू ग्वालियर छोड़ दे। मैं वो मेरे साथ नवी से पढ़ा था, बहुत बहुत ही प्यारा मित्र था। उसके कहने पर मुझे पहली बार अकल आई कि मैं यदि यहाँ रहूँगा तो चौथा स्ट्रोक जब आएगा तब मैं मर जाऊँगा, मेरी पत्नी बच्चे अकेले हो जाएंगे। मैं ग्वालियर छोड़ के यहाँ आ गया। 20 साल के बाद पता चला, 15 साल के बाद पता चला कि वो मर गया, वो गुजर गया। क्यों? जम के शराब पीता था, और वो भी देशी नहीं विदेशी। मैंने उससे 100 बार कहा था कि तू पीना बंद कर दे। उसने मुझसे कहा तू ग्वालियर छोड़ दे तू मर जाएगा। मैंने उससे, उसने लेकिन मुझसे सिर्फ एक या दो बार कहा। मैंने उससे 100 बार कहा था कि तू बंद कर दे। उसके पिताजी कलेजा बर्बाद हो गए, इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। ये डॉक्टर था, मेरा दोस्त जो है डॉक्टर था, इसके बावजूद जो है वो पीता था। क्यों? मैं समाज में बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ ये दिखाने के लिए अपने मित्रों को बुलाता था, मित्रों के साथ जो है पीना पिलाना करता था। परिणाम क्या हुआ? मुझसे 2-3 साल छोटा था, लेकिन आज से 15 साल पहले वो चला गया। मैंने इतने सारे उदाहरण क्यों दिए? जीवन के अलग अलग जो पहलू है वहां से ये सारे उदाहरण लेकर मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखा कि जीविका का घमंड किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरीके से आ सकता है। मेरा दोस्त विदेशी शराब पीकर जीविका का घमंड दिखाता था। वो जो लौंडा है जिसको पकड़ के पुलिस के हवाले मैं कर सकता था, क्योंकि बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा था, मैं उसको ले गया, बाकायदा पुलिस के पास ले गया। बाकायदा मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरा जो नुकसान है वो मुझे इंश्योरेंस से मिल जाएगा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप लोग जरा प्रॉमिस करवा दीजिए कि आइंदा बिना लाइसेंस के किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा। पुलिस वाला समझ गया कि मेरे कहे बिना केस नहीं लेना है, इसलिए पुलिस वाले ने उसको अच्छे तरह से डरा धमका के भेज दिया। क्या जरूरत थी? 18 साल का नहीं हुआ है, दुकान में काम करता है। 18 साल की उम्र से कम का कोई लड़का दुकान में काम करेगा उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी? आप सब जानते हैं, आप सभी लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितनी तनख्वाह मिलेगी? उसकी माँ 40-45 साल की थी, कैंसर था, वो भी ऐसा कैंसर जो लाइलाज है। बाप पेंटिंग वगैरह का काम करता है, उसकी जिम्मेदारी थी कि मेहनत करके अपने माँ बाप की मदद करे, उसके बदले वो जीविका के घमंड में फंस गया। और अब पता नहीं कितने महीने उसकी तनख्वाह उसका मालिक काट लेगा। क्यों? नई यामाहा गाड़ी थी, उसकी ऐसी तैसी कर दी उसने। इंश्योरेंस रहा होगा तो थोड़ा बहुत पैसा मिल गया होगा, लेकिन मालिक जो है वो ये थोड़ी बताएगा कि मुझे इंश्योरेंस से पैसे मिल गए हैं, वो तो इससे वसूल करेगा। मेरी गाड़ी पे लगभग 15-16 हज़ार रुपये आज से 15 साल पहले खर्च हुए, इंश्योरेंस वालों ने दे दिया। तो आप सोचिए किस कारण ये हुआ? जीविका का घमंड। किस कारण मेरा मित्र जो नगर सेठ था वो समय से पहले गुजर गया? दूसरों को प्रभावित करने के लिए उनके साथ बैठकर महंगी से महंगी जो शराब है खरीद कर उनको भी पिलाता था, वो खुद भी पीता था। पैसे थे, बहुत पैसे थे, क्योंकि उसका अपना नर्सिंग होम था, नर्सिंग होम थे, एक से अधिक थे, उसकी बसें चलती थी।
जीविका के घमंड से उसको क्या फायदा हुआ, उसकी पत्नी विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। इस लड़के को क्या फायदा हुआ, उसका मालिक अब उसको दबा कर रखेगा। प्लस इस तरह से जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तब सर को जो चोट लगती है उस चोट का असर भी होता है सर के ऊपर, बुद्धि के ऊपर भी असर होता है। जीविका का घमंड किसी भी तरह से हो सकता है। मैं ऐसे विद्यार्थियों को जानता हूं जिन्हें इसका इस बात का घमंड था कि ये मेरे साथ ये सब बेकार हैं, मैं अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लाया हूं। लेकिन ये घमंडियों में से कितने सारे लोगों को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है, घमंडियों को बर्बाद होते हुए देखा है। आज शाम को जो भाई लोग और जो बहनें प्रभु का वचन सुन रहे हैं उन सबको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे अंदर हमारे आदि माता और आदि पिता आदम और हव्वा से पाप का स्वभाव मिला है। वो पाप का स्वभाव हमारे शरीर की जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को गलत दिशा देता है, आँखों की जो अभिलाषा है उसको गलत दिशा देता है, जीविका के बारे में हमारे मन को घमंड से भर देता है। ये तीनों हमको बर्बाद कर देती हैं। और शैतान चाहता है कि हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में पाएं, उसके पहले बर्बाद हो जाएं। क्यों? इसलिए कि एक और व्यक्ति प्रभु से दूर हो गया। तो आप कहेंगे इसका मतलब यह है कि जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा शाश्वत जीवन पा लिया है उनके ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं होता होगा? उनके ऊपर भी होता है। शैतान नंबर वन चाहता है कि कोई प्रभु के पास ना जाए, नंबर दो चाहता है कि यदि कोई पहुंच भी गया तो उसका जीवन शुरू में ही बर्बाद कर दो, जिससे कि वो प्रभु की निकटता में ना जा पाए, जिससे उसका जीवन प्रभावी ना हो, जिससे वो अपने आत्मिक जीवन में पक्वता तक मैच्योरिटी तक ना पहुंचे। इसलिए यहां पर प्रभु के वचन में इतने विस्तार से ये बात कही है। 15 से फिर से हम पढ़ेंगे, तुम ना संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं संसार की ओर से है। और संसार की इच्छा क्या है? हमको परमेश्वर से दूर रखने के लिए। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया उनको उद्धार से दूर रखने के लिए, और जिन्होंने उद्धार पाया है उनको आत्मिक जीवन से दूर रखने के लिए। 17वां पद इसका सारांश देता है, उसको जरा पढ़कर देखें। 17वें पद में सारांश है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते हैं, मिट जाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हम में से हर पापी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास जाकर पाप से क्षमा मांगकर पाप की सजा से मुक्ति पाके ईश्वर की संतान बनकर एक समर्पित जीवन बिताए। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो इन चीजों को पाएगा, सर्वदा बना रहेगा। लेकिन संसार और उसके अभिलाषा मिट जाते हैं। ये जो दुनिया आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं इसका अंत बहुत निकट है, जिसके बारे में मैंने आज तक आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन प्रभु मदद करेंगे तो जल्दी ही बताऊंगा। ये दुनिया मिट जाएगी और उसके साथ साथ दुनिया की अभिलाषाएं मिट जाएंगी, लेकिन हमारी आत्मा जीवित रहेगी। कहाँ जाएगी वो आत्मा? प्रभु की उपस्थिति में जाएगी या उस अंधकार में जहाँ प्रभु नहीं है, जहाँ अनंत काल के लिए मनुष्य के लिए पीड़ा है? इन बातों को
गंभीरता से सोचने के लिए प्रभु आप सबकी मदद करें। आज इस सभा में यदि कोई भाई या बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु के पास जाकर शाश्वत जीवन नहीं पाया है, तो मेरा अनुरोध है प्रिय भाई प्रिय बहन, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें कि जीवन मिट जाएगा। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, उस न्याय में आपकी क्या हालत होगी। इस विषय में और अधिक समझने के लिए मुझसे संपर्क करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। भाई मनोज से संपर्क करेंगे, वे आपको समझाएंगे। यहाँ जो तीन केरल की बहनें बैठी हुई हैं, बहनें यदि उनसे पूछना चाहें पूछ लें, वे लोग भी आपको समझा देंगे। मेरा अनुरोध है कि अपने जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। आज प्रभु ने इस तरह से जो मौका दिया है उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। भाई बरनबास आकर प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त करेंगे। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।